नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को लेकर जो है रेल मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। रेलवे अपनी यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है, लेकिन लंबे समय से बंद पड़े सीनियर सिटीजन रेल टिकट में मिलने वाली छूट को लेकर एक बार फिर से बहाल नहीं किया गया है, यानी कि इसमें छूट नहीं दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में इस सुविधा को बंद कर दिया गया था। बता दें कि रेलवे ने इस दौरान यात्रियों को मिलने वाली लगभग सभी छूटों को समाप्त कर दिया था। कोरोना काल समाप्त होने के बाद लगभग देश की लगभग सभी ट्रेनें एक बार फिर से पटरी पर आ गई। यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं भी धीरे धीरे बहाल कर दी गई, लेकिन अभी तक सीनियर सिटीजन के तहत मिलने वाली छूट को रेलवे ने रोक कर रखा है। इधर सरकार की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि सीनियर सिटीजन को किराए में मिलने वाली छूट को बहाल करने का कोई भी इरादा नहीं है। साथ ही साथ खिलाड़ियों को भी टिकट में मिलने वाली छूट से उन्हें भी जो है बेमुख किया गया है। रेल मंत्री ने संसद भवन में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सीनियर सिटीजन को किराए में छूट देने से सरकारी खजाने में अतिरिक्त बोझ बढ़ता है, इसीलिए रेलवे ने फैसला किया है कि स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को किराए में छूट दिया जाए, जिसमें कि चार श्रेणियों के दिव्यांग होंगे, 11 कैटेगरी के मरीज और छात्र शामिल होंगे। बता दें कि रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों के साथ बाकी कैटेगरी के यात्रियों को मिलने वाली सारी सुविधाएँ फिलहाल बहाल नहीं की जाएगी। रेल मंत्री की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि 2017 से 18 के दौरान रेलवे ने 1491 करोड़ रुपए की छूट दी थी, वहीं 2018-2019 के दौरान 1636 करोड़ रुपए की छूट दी गई, जबकि 2019-2020 के दौरान 6.18 करोड़ की छूट दी गई, और 2020-2021 का वो दौर जब कोरोना का दौर था तब भी जो है 1.90 करोड़ और 2021-2022 के दौरान 5.55 करोड़ की छूट दी गई थी। कोरोना काल के दौरान सीनियर सिटीजन रेल यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखी गई थी, क्योंकि कोरोना काल के दौरान खास तौर पे सीनियर सिटीजन को ट्रेन में भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से साफ तौर पे मना किया गया था। आपको बता दें कि कोरोना काल से ठीक पहले राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में टिकटों पर 50% तक की छूट मिलती रही, वहीं 60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों और 58 साल के अधिक उम्र की महिलाओं को रेलवे के सीनियर सिटीजन की श्रेणी में रखा गया था, जिसके तहत उन्हें छूट दी जाती रही थी। बता दें कि कोरोना काल से पहले तक राजधानी शताब्दी दुरंतो समेत कई मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में पुरुषों की बेस फेयर पर 40% और महिलाओं को 50% तक की छूट मिलती रही। कोरोना काल समाप्त होने के बाद जब रेलवे की शुरुआत की गई, यानी कि एक बार फिर से ट्रेनें जब पटरी पर दौड़नी शुरू की, तो सीनियर सिटीजन की सुविधाओं को बंद कर दिया गया। आज तक में चल रही एक खबर को अगर हम माने तो एक खबर के अनुसार रेलवे के वरिष्ठ नागरिकों को छूट पर विचार कर रही है, यानी कि रेलवे जो है अपने वरिष्ठ नागरिकों को, जिसका हमने पहले जिक्र किया कि सीनियर सिटीजन के तहत जो है यात्रियों को छूट मिलने पर आज तक ने खबर चलाई है, जिसके तहत कहा कि छूट मिल सकती है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जनरल और स्लीपर क्लास के लिए छूट का प्रावधान है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उम्र का मापदंड बढ़ाकर 70 साल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस तरह की योजना से बुजुर्गों को तो राहत मिलने की बात कही जा रही है, ट्रेनों में सीनियर सिटीजन को छूट मिलने की बात अभी भी संभावनाओं में है। ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके सीनियर सिटीजन को छूट दे। संसद भवन में बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर मना किया है कि सीनियर सिटीजन को लेकर किसी भी तरह के कोई प्रावधान आगे नहीं आने वाले हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।